कीजिए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, मैं हूं नवेद खान। आप देख रहे हैं मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज। 31 मार्च का दिन है, लगातार हमने आपको मेरठ में लॉकडाउन की अपडेट दी है, बताया कि शहर का हाल कैसा है इस वक्त। मेरठ में शास्त्री नगर का दिल कहे जाने वाले, शास्त्री नगर का कनॉट प्लेस कहे जाने वाले सेंट्रल मार्केट में मौजूद हूँ, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं है। मैं बता दूँ आपको, देखिए कि शास्त्री नगर की जितने भी पॉपुलर दुकान हैं और खाने पीने की जो रेस्टोरेंट हैं, वो सब यही है सेंट्रल मार्केट में। लेकिन इस वक्त कुल मिलाकर यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई नहीं है। इक्का दुक्का लोग सड़क पर नजर आ रहे हैं, बल्कि अभी मैं दूर तक देख पा रहा हूँ कि कोई नहीं है यहाँ पे। तो फिर एक बार बताना चाहूँगा कि मेरठ पुलिस प्रशासन का ये शानदार सराहनीय कर रहे हैं, और अब देख के आज महसूस हो रहा है कि लोगों की समझ में आ रहा है कि लोगों को इकट्ठा नहीं होना। और आप देख पाएंगे मेरे पीछे बिल्कुल यहाँ ये पुलिसकर्मी तैनात हैं अपनी ड्यूटी पर, घर परिवार छोड़कर ये लोग अपनी ड्यूटी दे रहे हैं यहाँ पर। और ये इलाका है सेक्टर 2 सेंट्रल मार्केट, इसको हम मेरठ शास्त्री नगर का इसको हम क्रॉप प्लेस कहते हैं, जहाँ पे आउटडाउन बना रहता है, भीड़ रहती है। और मतलब कि मैं कहूँगा कि जो शास्त्री नगर का इसको हम क्रॉप प्लेस कहते हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पूरी तरह से सन्नाटा है, कोई नहीं है यहाँ पर। मैं हूँ नवेद खान। जैसा कि आज 31/3/2020 का लॉकडाउन का हम आपको दिखा रहे हैं शहर का, एक तरफ जहाँ पुलिस और प्रशासन जो है लगातार लोगों को जागरूक कर रही है घर से ना निकलने के, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो निस्वार्थ लोगों को भोजन बांट रहे हैं, लोगों को खाना दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। इस वक्त मैं हूँ शास्त्री नगर सेक्टर 3 में जो गुरुद्वारा है, वहाँ पर आप देख पाएंगे मेरे साथ कि कितने सारे ये लोग हैं, ये निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं लोगों की। और बता दूँ सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पर भीड़ इकट्ठी नहीं है, ये लोग भीड़ इकट्ठी नहीं कर रहे हैं, यहाँ एक एक करके आते हैं लोग और 50 पैकेट 30 पैकेट जितनी भी जिसकी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से इन जरूरतमंदों को खान दिया जाता है। आप देख पाएंगे ऊपर गुरुद्वारा है, बिल्कुल ये गुरुद्वारा है, मैं खड़ा हूँ मैं इस वक्त तस्वीर में आप देख रहे हैं गुरुद्वारा। और लॉकडाउन का आज 31 मार्च 2020 मैं दिखा रहा हूँ आपको मेरठ से, शास्त्री नगर में इस वक्त मौजूद हैं हम, और किस तरह ये लोग निस्वार्थ लोगों की सेवा कर रहे हैं। आपका मुझे नाम बता दीजिए सर एक बार। मेरा नाम गोपाल सुदन। गोपाल जी, कितने दिन से आपका ये चल रहा है? ये जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हमने ये अभियान स्टार्ट किया है। गुरुद्वारे में एक संगत ने सारी मीटिंग की है और तब से हमने ये स्टार्ट किया है कि 14 तारीख तक इसको कंटिन्यू रखना है। जो बेसहारा लोग हैं जिन तक खाना नहीं पहुंच पा रहा, हमारा मकसद है उन तक खाना पहुँचाना। बताइए। मेरा नाम गुरदीप सिंह है। गुरदीप जी, ये जो सेवा कर रहे हैं इसके पीछे मोटिव क्या है मतलब आपका? देखो, सबसे पहली बात ये है जी, गुरुद्वारे के अंदर सेवा करने का कोई मोटिव नहीं होता। बस ये अकाल पुरख ने शुरू से ही गुरु नानक पातशाह ने 20 रुपये में लंगर चलाया था, वही प्रथा समझ लो आज चल रही है। जो गरीबों को कम से कम जिनके घर पे चूल्हा नहीं चल रहा वहाँ ये लंगर भिजवाया जा रहा है। जो सक्षम है उन्हें हम कोशिश करते हैं, जिनके घर में गैस है उन्हें हम रसद देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं भी हाँ किसी कोई मोटिव है किसी का, ये सबसे पहला नाम यहाँ पे सिर्फ ये है जी, गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर। यहाँ का नाम मुझे बता दीजिए। सर मेरा नाम संदीप पावा है। सर लगभग दिन में कितने पैकेट आप लोग बांट देते हैं खाने के? सर 1000 पैकेट हम आज संगत को वितरित कर रहे हैं, जो कि ज़रूरतमंदों का पेट भरने के काम आएंगे। ये गुरुद्वारे की तरफ से सेवा है और आप सब भाइयों के सहयोग से ये सारा काम किया जा रहा है और गरीबों तक ये खाना पहुंचे हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहती है। यहाँ बेसिक बात देखिए, डिस्टेंस भी जो बेसिक बात है, यहाँ भीड़ नहीं है लोगों की, खाना बट रहा है, लगातार बट रहा है। और जैसा कि बताया कि 1000 पैकेट आज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भीड़ इकट्ठी ना हो वो मुझे यहाँ देखने को मिली। इस वक्त हमारे विधायक सुमिंदर तोमर जी भी इस वक्त गुरुद्वारे में उपस्थित हैं और ये भी जायजा ले रहे हैं लगातार कि किस तरह से यहाँ पर भोजन वितरित किया जा रहा है। मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस की पूरी तैयारी है यहाँ पर और लगभग 1000 लोगों को खान दिया जाता है। विधायक जी, स्वागत है आपका। आज क्या कहना चाहेंगे आप लॉकडाउन पर? 31 मार्च का आज का दिन है। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने सभी जो गुरुद्वारे के सभी सम्मानित हमारे जो पदाधिकारी हैं यहाँ के, जिस पवित्र काम को जिस पवित्र भावना के साथ वो कर रहे हैं, कोई भी भूखा ना रहे। और ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की अपील पर, और मैं देखता हूँ कि अपना ये गुरुद्वारा पहले से ही इस तरह के धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों में रहता है, तो मैं इनका धन्यवाद करने के लिए भी और हमारे जितने भी सामाजिक लोग इसमें जुटे हुए हैं उनका सबका आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आया।
लॉकडाउन 31 मार्च 2020 का हम आपको दिखा रहे हैं। शहर का सेंटर मार्केट आपने देखा किस तरह सोना पड़ा हुआ है, और ये मेरठ का शोराब गेट बस डिपो है जहाँ पर हमेशा बसों का आवागमन बना रहता है। आप देख पा रहे हैं कि लेकिन इस वक्त यहाँ पूरी तरह सन्नाटा है। आइए मैं आपको लिए चलता हूँ कि किस तरह यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह सन्नाटा है। बसें खड़ी हैं लेकिन मुसाफिर नहीं है, जाने के लिए कोई नहीं है। तो इसका मतलब ये दिख रहा है कि जो ये लॉकडाउन का असर लोगों में समझ में आ रहा है। इसके बाद मैं यहाँ के जो डीपो प्रभारी उनसे भी बात करूँगा। फिलहाल आप देख पाएंगे कि यहाँ पर बिल्कुल जहाँ हमेशा भीड़ हुआ करती थी लोगों की आने जाने के लिए, और ये सोहराब गेट बस डिपो है जो गैलरी है जहाँ पर लोग बैठते हैं बस के जो वेटिंग रूम, उसको वेटिंग भी कह सकते हैं, वेटिंग रूम कह सकते हैं, यहाँ लोग बैठते हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ देखिए कोई नहीं, सिर्फ कर्मचारी केवल यहाँ मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि लॉकडाउन का असर मेरठ की जनता में अब दिख रहा है। बसों का आवागमन बिल्कुल नहीं है, बसें सूनी पड़ी हैं और बस अड्डा बिल्कुल खाली आप देख पा रहे हैं। मैं आर के यादव, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, सोहराब गेट डिपो। आज का दिन 31 मार्च 2020 के में हम लगातार आपको शहर का अपडेट दे रहे हैं। शासन नगर दिखा, इस वक्त आपने जो झलकियां देखी वो देखी थी सोहराब गेट डिपो की जहाँ पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रभारी यादव जी मेरे साथ मौजूद हैं, देखिए सैनिटाइज कर रहे हैं अपने हाथों को किस तरह से। तो यादव जी मैं जानना चाहूँगा कि वर्तमान स्थिति में लॉकडाउन की बस स्टैंड पर, ये सोहराब गेट बस स्टैंड पर क्या स्थिति है? इस समय टोटल लॉकडाउन है 14 अप्रैल तक। हमारी समस्त वाहनें वर्कशॉप में खड़ी हुई हैं, किसी प्रकार की बसों का आवागमन नहीं हो रहा है। और जो भी थोड़ी बहुत जनता आ रही है उनसे बताया जा रहा है कि लॉकडाउन है, जिसके कारण जो है बसों का आवागमन नहीं हो रहा है। कृपया आप अपने घर पे जाएं, वो अपने घर लौट जाएंगे। लॉकडाउन के चलते जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? लॉकडाउन के चलते मैं जनता को यही संदेश देना चाहूँगा, लोग घरों में रहें और सैनिटाइज अपने आप को करते रहें, हाथ धोते रहें और सावधानियां बरतें जिससे कि, और डिस्टेंस बनाए रखें जिससे कि कोरोना को फैलाव को रोका जा सके। ये था आज 31 मार्च 2020 का लॉकडाउन का मैंने असर दिखाया शहर का आपको। आज शासन नगर सेंटर मार्केट में हम गए, उसके बाद मैंने आपको गुरुद्वारा दिखाया कि गुरुद्वारा में किस तरह निस्वार्थ मतलब बिना किसी स्वार्थ के लोग को खाना बांटा जा रहा है, और जहां विधायक सुमेर तुमर भी थे। इसके बाद हम पहुंचे थे इस वक्त आज यहां पर सोहराब गेट बस डिपो पे। यहां भी बिल्कुल पूरी तरह सन्नाटा, लॉकडाउन का असर पूरा है। पुलिस प्रशासन का कार्य सराहनीय है। कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ मेरठ मित्र से नवेद खान की रिपोर्ट। खबर राजनीति से जुड़ी हो या मुद्दा हो आम जनता का, खबर क्राइम की हो या खबर हो आपके शहर की, आपके प्रदेश की या फिर आपके देश की, या फिर बात हो एंटरटेनमेंट की, हम उठाएंगे आपकी समस्याओं को आपकी आवाज बनकर। मैं हूं नवेद खान। खबरों में अपडेट रहने के लिए मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए समाचार पत्र मेरठ।